मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। राजमा किसे पसंद नहीं होते, राजमा चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। राजमा सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। राजमा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही राजमा आयरन, विटामिन सी, मैग्नीशियम और फोलेट का भी अच्छा सोर्स है। लेकिन फिर भी कुछ खास तरह के लोगों को राजमा खाने से नुकसान पहुंचता है। दरअसल राजमा को पचाना मुश्किल होता है। ऐसे में जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है उन्हें इसे खाने से परहेज करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार राजमा किन्हें नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पेट संबंधित दिक्कतें हैं उन्हें राजमा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि राजमा खाने से गैस, पेट में दर्द, एसिडिटी और पेट में मरोड़ हो सकती है। एसिडिटी वाले लोगों को तो राजमा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों का वेट कम है उन्हें भी इसे खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी वजह से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। राजमा आयरन का एक बेहतरीन अच्छा सोर्स है। इसे खाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस स्थिति में राजमा खाने से पेट दर्द, उल्टी की समस्या हो सकती है। पित्त प्रकृति के लोगों को राजमा खाने से परहेज करना चाहिए। राजमा की तासीर बेहद गर्म होती है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोगों को राजमा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।